हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं एमबीपी डिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है कि ये वाली डिश है दोस्तों, अभी एस एस एट 7 105 डिग्री पर अभी डिश सेट है ये वाली डिश। तो इसको जो तो साथ में लगाते हैं दोस्तों NS12 यानी कि डिश टीवी और DDP डिश 93 95 दोनों सेटल पर मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, मल्टी सेटल पर आपको सेट करके। तो वीडियो पर बने रहे और वीडियो शुरू से लेकर इन तक आपको वीडियो देखना आपको पड़ेगा। तो किस तरह से आपको इसकी लंबी पोजीशन लगाना है सेट लंबी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इससे 7 105 डिग्री का सिग्नल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बाद में दोस्तों सेट लंबी लगा के भी मैं आपको इसका सिग्नल भी आपको रिसीव करके दिखाता हूँ। NS12 यानी DDP डिश दोनों सेटल एक ही लंबी में आप रिसीव करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इससे 7 105 डिग्री का सिग्नल भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके लंबी पोजीशन मैंने इस तरह से रखा है DDP डिश के सामने की तरफ इस तरह से। तो यहाँ आप केबल वगैरह यहाँ देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ आप सिग्नल भी देख सकते हो इस तरह से 7 105 डिग्री का। ये वाली सबसे आसान टीपी है, ये वाली टीपी आप MPG2 बॉक्स में आप ये वाली टीपी आप एड करके डी सेटिंग कर सकते हो। 2 फेट एंटेना पर भी ये वाली टीपी रिसीव हो रही है। ये वाली टीपी है सहारा वाली टीपी है, यहाँ आप देख सकते हो टीपी यहाँ आपको नज़र नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। सबसे आसान टिप ये वाली है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो ये वाला LMB है दोस्तों, 60 LMB भी मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ। तो यहाँ आप रख देते हैं ये वाले LMB और केबल वगैरह यहाँ से निकाल लेते हैं और ये वाले LMB में मैं कनेक्ट कर देता हूँ QBN LMB में। तो ये वाले LMB में दोस्तों मैंने केबल वगैरह यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब एक और काम करना है दोस्तों, टीपी सबसे पहले दोस्तों कौन सी टीपी आपको यूज़ करना है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो टीपी मैं आपको लगा लेता हूँ सबसे आसान टीपी, सबसे पहले NS12 यानी कि DDP डिश और डिश टीवी दोनों को एक LMA में मैं आपको रिसीव करके दिखाता हूँ। तो टीपी लगा लेते हैं, सबसे आसान टीपी कौन सी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सेटेलाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 टीपी मैंने अभी ऐड किए हैं, 2 टीपी, एक DDP डिश की है और NS12 की है। ये दोनों टीपी पर मैं आपको सिग्नल दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो अभी 9 सिग्नल है। तो अब आ जाते हैं इस तरह से। तो ये वाले लैंबी है दोस्तों, यहाँ आपको रखना है। तो टीवी तो थोड़ा दूर है, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी अभी मैंने अभी सिग्नल जैसे दो तो इस LMB में नहीं यहाँ रखा और सिग्नल भी यहाँ मिल चुका है। यहाँ आप देख सकते हो ये सिग्नल, यहाँ आप देख सकते हो सामने आपको दिखा रहा है। तो LMB पोजीशन मैंने दोस्तों यहाँ इस तरह से पकड़ा है। अभी जैसे दोस्तों मैंने यहाँ LMB रखा तो सिग्नल भी यहाँ हमारा चला गया, यहाँ आप देख सकते हो अभी 9 सिग्नल है। फिर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ आपको रिसीव करके, आप देख सकते हो। मैं आपको दोनों में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो जैसे दोस्तों मैंने LMB हटाया अभी 9 सिग्नल है। और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो अभी सिग्नल रिसीव हो रहा है 71 74। अभी यहाँ मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो 74 सिग्नल अभी है। तो LMB दोस्तों ये आपको इस तरह से रखना है, यहाँ आपको पकड़ना है डिश के सामने के वो के नहीं, थोड़ा आपको राइट की तरफ आपको खड़े होके आपको LMB पकड़ना है। लेकिन आप सामने होके आपको इस तरह से सेट करेंगे तो इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता। तो यहाँ आपको 60 में होके आपको इसके सिग्नल आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो LMB दोस्तों मैं यहाँ ये वाले QBN के LMB लगा लेता हूँ, फिर मैक्सिमम इसका सिग्नल भी आपको रिसीव करके दिखाता हूँ सामने TV में। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों मैंने इस तरह से इसके LMB लगा दिया है। NS12 यानी कि 95 और 93 दोनों सिग्नल एक ही LMB में आप रिसीव करके देख सकते हो। इसकी दूरी दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको इसे 7 105 डिग्री पहले आपको सेट करना पड़ेगा सी बैंड में, फिर 60 LMB लगा के ये वाली आप सिग्नल इसका रिसीव करके देख सकते हो DDP डिश और डिश TV 93 95। और यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसकी LMB पोजीशन रखा है और यहाँ सामने भी सिग्नल यहाँ देख सकते हो। तो सिग्नल भी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो ये वाली टीपी और DDP डिश की टीपी है। और ये DDP डिश की टीपी
और ये वाली है NS12 यानी कि डिश टीवी की, दोनों में सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो 71 और 79 दोनों में सिग्नल आप रिसीव करके देख सकते हो। तो यहीं थी आज की छोटी सी अपडेट। अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक से जरूर करें, चैनल पे पहली बार होते चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। मिलते दो तो नए टॉपिक के साथ।